हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो हम 12th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक उसका रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसमें हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकाला था। तो हमने देखा था कि किस तरह से हर कैपेसिटर है उस पर चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या देखेंगे कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस, जिस तरह से आपने रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। इस पहला भी एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस C2 है। वी दोनों के लिए सेम आप देख सकते हैं क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब देखो कि हम क्या लिखते हैं, तीन तरह से इक्वेशन लिखते हैं, एक तो पहले कैपेसिटर के लिए, एक दूसरे कैपेसिटर के लिए और एक टोटल के लिए। तो क्या लिखे, देखो, इफ टोटल चार्ज इज क्यू देन बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए जो क्यू है वो कितना हो जाएगा, सी। ये तो आ गया टोटल के। वो फिर क्या करेंगे, देखिए आप इसके बाद, इफ चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज Q1 तो हम क्या लिख देंगे कि जो Q1 जो होगा कितना हो जाएगा, ये देखिए आप यहां से, इसके लिए चार्ज कितना आ जाएगा, Q1, कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा इसके अक्रॉस, वो दोनों के अक्रॉस क्या यहां पर सेम है। अब देखिए उसी तरह से, सिमिलरली चार्ज ऑन, बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है, ऑन सेकेंड कैपेसिटर Q2 = C2V इक्वेशन नंबर 3। तो ये आप देखिए चार्ज अलग अलग बनाएंगे, जैसे चार पॉजिटिव चार नेगेटिव बनाए इसके, तो इसके लिए तीन तीन बना दिए थोड़ा अलग शो करने के लिए। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा नहीं करेंगे कि जो कैपेसिटर है उसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है, ऐसा नहीं करते। जो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज होता है वही कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होता है। अब एक बार आप देखिए, देखो यहां से कि जो क्यू है, Q1 है और Q2 में क्या रिलेशन है, देखिए देखिए बैटरी कितना टोटल चार्ज सप्लाई कर रही है, बैटरी यहाँ इस कैपेसिटर को अलग से कर रही है और इस कैपेसिटर को अलग से कर रही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा है, सीरीज में ऐसा नहीं था। जैसे ये सीरीज हमने देखा था इस तरह से, मैं एक रफ सा वापस याद दिलाने के लिए बना रहा हूँ डायग्राम, तो उसमें क्या था, सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ, उसमें क्या था, बैटरी ने यहाँ सप्लाई किया तो अलग इसको नहीं करना पड़ रहा बैटरी को, तो वही चार्ज किस तरह से मैंने आपको बताया था कि कैसे इसके कारण इस पर इंड्यूस होता है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, आपने नहीं देखा तो, और कैसे हर चार्ज जो है, हर कैपेसिटर जो है उसके ऊपर चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है, बैटरी इसको अलग से सप्लाई कर रही है, इस कैपेसिटर को अलग से सप्लाई कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टोटल चार्ज Q = Q1 + Q2 याद आएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए बाय इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या कर देंगे, देखिए क्यू की जगह हम कितना रख देंगे, देखिए क्यू की जगह वैल्यू रख देंगे सीवी, Q1 की जगह कितने रख देंगे C1V और Q2 की जगह कितना रख देंगे C2V। तो क्या हो जाएगा, यहां से V कॉमन आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, C = C1 + C2 आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ये हमें बताना है, बस मैन आपको ये ध्यान रखना है, देखिए CP लिख सकते हैं आप पैरेलल शो करने के लिए। तो मैन आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीन कैपेसिटर के लिए पूछे आपसे तो क्या कर देंगे, कल भी जैसे हमने लिखे थे फॉर्मूले बाद में सीधे, तीन कैपेसिटर के लिए एग्जाम में पूछते हैं तो आप क्या कर देंगे, सी को C1 + C2 + C3 यहाँ 6 इक्वेशन, और एक और आप यहाँ से बना देंगे किस तरह से, देखिए C2 इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, और एक आप उसी तरह से क्या बना देंगे, देखिए आप यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं, ये C3 है, उसी तरह से चार्ज आप ड्रॉ कर देंगे
और आपसे एन का पूछे तो आप क्या कर देंगे यहां डेल्टा डेटेस कर देंगे इस तरह से, और यहां क्या लिख देंगे सी एन। ये मतलब ब्रेक नहीं है, इसको मतलब एन सोन करते हैं भाई। चार्ज भी आपको ड्रॉ करना है, सी थ्री वाले में भी करना है और इसमें भी आपको करना है। तो इसमें आप चार्ज ड्रॉ करेंगे कितना लिख देंगे क्यू एन प्लस ये माइनस क्यू एन, ये क्यू एन प्लस और माइनस क्यू एन लिखा है मैंने और ये सी एन लिखा है मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, फोर एन कैपेसिटर। तो जितने के लिए आपसे पूछे, दो के लिए, तीन के लिए, एन के लिए, आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं सी वन प्लस सी टू प्लस एन सो अप टू प्लस सी एन। तो ये बिल्कुल इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं रहा ये चैप्टर, तो ये देखिए न्यूमेरिकल्स भी इन पर बेस्ट बहुत आते हैं, एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो एक सबसे मेन टॉपिक रहा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और दूसरा की जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच, तो क्या पोलराइजेशन होता है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में और क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस पर उसका। तो ये दो टॉपिक रहे, वन डे ग्राफ ऑफ जनरेटर ऑफ सिलेबस से हटा लिया है, तो इनको हम आगे की वीडियो में जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और आपको कोई भी डाउट है आज की वीडियो में पहले वाले में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।